हेलो फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया है। और ये जो नोटिस है वह झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 को लेकर के है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि एक्साइज कॉन्स्टेबल वाले फॉर्म भरे 2022 वाले, उसी को लेकर के ये आवश्यक सूचना दिया गया है। आप लोग डेट भी देख सकते हैं 19/5/2022 यानी कि 19 मई 2022 का है। तो यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे है कि परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/2/2022 से दिनांक 2/4/2022 के मध्यरात्रि तक आमंत्रित किए गए थे। तो यहाँ पे जो है ये फॉर्म जो भराया गया था वो आपका 25 फरवरी से लेकर के आपका 2 अप्रैल तक भरना था और मध्यरात्रि तक भरा भी गया था। तो उसके बाद क्या है, तो उसके बाद यहाँ देखिए, तो उक्त क्रम में वैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटे के छात्र अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटे को अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटे में संशोधित किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटे के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतरराशि का भुगतान करना आवश्यक है। तो यहाँ पे करना है कि SC और ST कैंडिडेट्स के जो भी कैंडिडेट्स थे वे लोग अगर अपने आपका जो आरक्षण है, अपना जो रिजर्वेशन है, उसको अगर वे लोग अनरिजर्व या फिर अनुसूची वन यानी कि पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 साथ साथ में आर्थिक रूप से जो कमजोर नागरिक दिखाते हैं बताते हैं उस कोटे में अगर ये लोग अपने आप को यहाँ पे शामिल करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटे के जो अभ्यर्थी हैं उनको उसके लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतरराशि का भुगतान करना आवश्यक है। यानी कि पहले जितना भी फी लगा था और उसमें अगर आप यहाँ पे अनारक्षित वाले में कर दिए हैं तो आपका जो बचा हुआ राशि है यानी कि रेस्ट जो राशि होगा वो आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करना आवश्यक है। तो यहाँ पे अगर ये 50 रुपया पहले का था फी SC और ST का, और बाद में अगर ये लोग जनरल या फिर OBC वाले में भरते हैं तो उसका जो फी था वो 100 था। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का 50 रुपया का डिफरेंस है, तो इस 50 रुपया को आपको एक्स्ट्रा से फिर पेमेंट करना पड़ेगा। तो यही कहना है यहाँ पर आयोग की ओर से। तो यहाँ देखिए उसके बाद क्या है, तो उपरोक्त के आलोक में से दिनांक 20/5/2022 से 25/5/2022 तक पुनः भुगतान हेतु अभ्यर्थियों की रजिस्ट्रेशन संख्या 99 है। तो यहाँ पे है आप लोगों का 20 मई से लेकर के 25 मई तक आप लोगों को ये भुगतान कर लेना है, यानी कि जो रेस्ट राशि है, जो बची हुई राशि है, उसको आप लोगों को इस 5 दिनों के अंदर में करना है, यानी कि 20 मई से 25 मई तक आप लोगों को कर लेना है। देखिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन संख्या भी दिया हुआ है, आप लोग मिला लेंगे जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, और टोटल जो कैंडिडेट्स हैं ऐसे करने वाले हुए हैं 38। तो 38 कैंडिडेट्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, उनको बहुत ही ध्यान रखना है। तो जो रेस्ट राशि है यानी कि जो रिमेनिंग राशि है फी का, वो आप लोगों को पेमेंट कर लेना है। उसके लिए क्या करना है यहाँ पर वो भी बताया गया है, देखते हैं। तो परीक्षा शुल्क की शेष राशि भुगतान है तो आयोग वेबसाइट पर प्रकाशित लिंक को आप लोगों को क्लिक कर लेना है, देखिए, और उस प्रकार से आगे जितना भी कहा जाएगा उस हिसाब से आप लोगों को करते हुए ये फी पेमेंट कर लेना है। और अंत में यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी में जैसे JECCE 2022 का चयन करके अपने झारखंड उत्पाद सेवा प्रतियोगिता परीक्षा शुल्क 2022 के पंजीयन संख्या को दिए गए स्थान में अंकित करते हुए आगे बढ़े और अपने शेष परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को लिंक में जाकर क्लिक कर लेना है वहाँ पर JECCE में, और उसके बाद में आप लोगों को पेमेंट कर लेना है और अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी आप लोगों को डाल लेना है। उसके बाद है संशोधन के उपरांत अंतरराष्ट्रीय शुल्क का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और वैसे सभी आवेदन आयोग द्वारा रद्द किए जाएंगे। और अगर आप लोग ऐसे नहीं करते हैं, भुगतान नहीं करते हैं, तो आप लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन या फिर जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये भी यहाँ इनका कहना है साफ साफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हस्ताक्षर परीक्षा नियंत्रक। तो यहाँ जो है जो 38 कैंडिडेट्स और ST वाले कैंडिडेट्स हैं वो अगर आपने आपको जनरल और OBC वाले में किए हैं तो उनको रेस्ट राशि या तो फिर जो रिमेनिंग है फी पेमेंट वो कर लेना है, उसके बाद ही ये अपना सारा काम को कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का नोटिस दिया गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में झारखंड उत्पाद सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2022 को लेकर के। तो ये आप लोगों को पूरी तरीके से ध्यान रखना है।